Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हाँ स्टूडेंट्स, आपको देखो मैंने रियल नंबर जो चैप्टर है क्लास टेंथ का, उसका बेसिक कंसेप्ट समझा दिया और आई थिंक कि आप उसमें परफेक्ट हो गए होंगे। अब आपको कोई भी नंबर सिस्टम के बारे में पूछेगा, यू कैन से और एक्सप्रेस इजीली विद कॉन्फिडेंस, और किसी भी क्वेश्चन में समस्या नहीं होगी। अब देखें, अब एक्सरसाइज 1.1 पे जो बेस्ड एग्जाम्पल है, ये किस तरह से कर रहा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा और थ्योरम। लेमा को थ्योरम भी कहते हैं एक टाइप से। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम निकालो। अब जैसे लेमा क्या है, लेमा इज़ ए प्रूवन स्टेटमेंट टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, ये होता है। और एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम इज़ ए टेक्निक और सिस्टम और प्रोसेस टू कंप्यूट SCF ऑफ एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हों, अगर उनका HCF निकालना है तो जो प्रोसीजर तरीका बता रखा है यूक्लिड ने, वो सिस्टम को एल्गोरिथम कहते हैं। तो सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है। सिस्टम क्या होता है ये आप ज़रा देखें। जैसे हमारे पास ये सॉल्यूशन A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो लेस देन बी। अब यहाँ पे देखें A क्या होता है, A बेटा डिविडेंड होता है, B डिवाइज़र है, क्यू कोशियंट है और R रिमाइंडर हो गया। जैसे हम कहते हैं आप 13 डिवाइडेड बाई 5 है या 13 अपॉन 5 है, तो अगर हम 13 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 टू जै 10, ये 3 आ गया। अब देखते हैं ये रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो हमारे पास 0 होता तो ख़त्म हो जाता, फिनिश हो जाता और ये SCF बन जाता। अब ये 0 नहीं है तो इस ये जो चीज़ है इसे हम बोलेंगे डिवाइज़र, और ये है हमारे पास डिविडेंड, और इसके बाद ये है कोशियंट, और हमारे पास 3 है रिमाइंडर। इसका मतलब हमारे पास अगर हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग रखें इसको, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए क्या डिवाइजर 13, बी कोशियंट 5 जिससे डिवाइड किया, क्यू आंसर 2 प्लस रिमाइंडर 3, तो देखें 5 टू जो 10 13 इक्वल टू 13 हो जाता है। ये आपने वेरीफाई किया है पिछली क्लासेस में, किया है 6, 7, 8, 5 इन सब में कि डिवाइड करो और वेरीफाई करो। तो ये बेसिक कंसेप्ट वही है। और एक बात और ध्यान रखना है, ये R क्या है, यहाँ पर R रिमाइंडर है और B क्या है डिवाइज़र। तो रिमाइंडर डिवाइज़र से हमेशा छोटा होता है। देखो डिवाइज़र ये है, ये रिमाइंडर, ये हमेशा इससे छोटा रहेगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा 1, 2 जो भी हो, बट डिवाइज़र से स्मॉल रहेगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारे पास जो हमें SCF निकालना है किसका, 455, 42। तो जो बड़ा होता है हमेशा उसको डिविडेंड लेते हैं, छोटे वाले को डिवाइज़र। तो हमारे पास देखते हैं A क्या हुआ 455 और B क्या हुआ 42। अब इससे SCF निकालना है। देखो SCF निकालने के 3 मेथड होते हैं, एक यूक्लिड डिवीज़न में है मेथड, एक लॉन्ग डिवीज़न है और एक फैक्टराइजेशन मेथड है। 3 मेथड होते हैं। तो पहले मैं देखो इसी को लॉन्ग डिवीज़न से बताता हूँ ताकि आपको इजी रहे। लॉन्ग डिवीज़न मेथड यानी हमारे पास एक फर्स्ट मेथड है SCF फाइंड करने के लिए, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो सबसे बड़ा क्या है हमारे पास 455, स्टूडेंट 455 अंदर डिवाइड किससे कर रहे हैं 42, 42 वन जा 42 माइनस करो इसको 3, अब तो नहीं जा रहा, ऊपर से 5 उतारा अब भी नहीं जा रहा, तो यहाँ 0 लगा देंगे 10। अब देखते हैं हमारे पास रिमाइंडर छोटा हो गया, डिवाइजर उससे बड़ा है। अब ये जो है ये रिमाइंडर, ये डिवाइज़र, ये कोशियंट और ये डिविडेंड। तो हम फार्मूले में क्या लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग, स्टेप वन में लिखेंगे A मीन्स डिविडेंड। डिविडेंड क्या हुआ 455 इक्वल टू डिवाइज़र 42 इंटू कोशियंट 10
प्लस रिमाइंडर 35। अब जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आता, SCF नहीं आता, ये ध्यान रखें। अब जीरो नहीं है तो आप क्या करेंगे, ये जो डिवाइज़र दे रखा है हमारे पास, डिवाइज़र क्या है, यहाँ पर डिवाइज़र है, डिवाइज़र 42 और ये 35 रिमाइंडर, तो डिवाइज़र बिकम्स डिविडेंड। अब देखो इस 42 को हम यहाँ ले गए और इसको क्या बना दिया हमने, इसको डिवाइज़र को डिविडेंड और रिमाइंडर को डिवाइज़र बना दिया। अब इसे ले जाएंगे 35 माइनस करो 7, अब भी रिमाइंडर छोटा है तो इसका मतलब अभी SCF नहीं निकला था। हम स्टेप टू में क्या लिखेंगे, स्टेप टू में हम लिखेंगे डिविडेंड, डिविडेंड क्या है यहाँ पर 92, ये जो डिवाइजर था बन गया डिविडेंड, तो 42। उसके बाद आता है बी डिवाइजर, डिवाइजर क्या है यहाँ पर, डिवाइजर क्या है 35, यानी जो हमारे पास रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन गया, इनटू कोशेंट 1 और प्लस रिमाइंडर। अब देखते हैं फिर अगेन यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये स्टेप आए। अब फिर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो, तो अब हम किस पे जाएंगे, स्टेप 3 पर जाएंगे। स्टेप 3 पे देखो क्या करेंगे हम बेटा, स्टेप 3 में फिर से ये जो डिवाइजर है बिकम्स, डिवाइजर बिकम्स डिविडेंड और रिमाइंडर बिकम्स डिवाइजर, तो 75 जा 35 माइनस कर दिया जीरो, किससे डिवाइड करने पाया 7, तो 7 इसका क्या हुआ SCF आ गया, यानी जिससे कंप्लीट डिवाइड हो। तो अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पर हम लिखेंगे 35 डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर 7 और इनटू कोशेंट 5 प्लस रिमाइंडर 0। अब लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल टू 0, देयरफॉर SCF ऑफ व्हाट 455 एंड 42 इक्वल टू व्हाट, ये 7 है। अब इसमें देखो केवल इसी का SCF, तो बहुत सारे का ये हो सकता है, SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो देखो SCF किसका किसका हुआ, जैसे इन दोनों का SCF 7 है, ऐसे हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास डिविडेंड ए डिवाइजर है, तो हम लिखेंगे SCF ऑफ 42 35 ये भी 7 है, ऐसे लिख सकते हैं SCF ऑफ 35 इंटू 7, यानी ये डिविडेंड ये डिवाइजर, तो 35 7 इसका भी SCF 7 है, यानी इसका भी SCF 7 है, इसका भी 7 है, इसका भी 7 है। अब ये जो हमारे पास हुआ ये सेकंड मेथड हुआ इक्वली डिवीजन। सबसे पहले मेथड डिवीजन का था, डिवीजन वाला लॉन्ग डिवीजन मेथड से SCF निकाला आपने, देखो पहले 455 डिविडेंड ले लिया हमने, इन दो नंबर का SCF निकालना था 455 42, तो आपने जो बड़ा था डिविडेंड अंदर और डिवाइजर बाहर और 42 माइनस किया 35, अब 3 और ऊपर से 5 उतारा ना जाने के लिए 0। अब देखते हैं छोटा हो गया, फिर अगेन इसको रिमाइंडर को डिवाइजर बना लिया और डिवाइजर को डिविडेंड, 35 माइनस किया 7, अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो ये डिवाइजर डिविडेंड बन गया और आपका रिमाइंडर डिवाइजर 75 35, तो ये रिजल्ट 0 आ गया। 0 आने से ये बन गया SCF, 7 जो है हमारे पास स्टूडेंट SCF आ गया। ये मेथड फर्स्ट था और इसी को ये जो हमने प्रोसीजर लिखा है, मैंने कहा एल्गोरिथम है, इसको एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम इज अ प्रोसेस और अ टेक्निक और सिस्टम टू कंप्यूट SCF ऑफ गिवन एनी गिवन टू पॉजिटिव नंबर्स, तो दो गिवन पॉजिटिव नंबर हैं उनका SCF निकालने का जो सिस्टम है, जो तरीका है, जो टेक्निक है, वो क्या है, एल्गोरिथम है। और ये जो एक किस्म से थ्योरम है इसे लेमा बोलते हैं, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट प्रूव अनदर स्टेटमेंट, यानी एक थ्योरम है जैसे पाइथागोरस थ्योरम होती है, आप उसको ऑलरेडी प्रूव्ड है उसी पर बेस्ड और क्वेश्चन प्रूव करते हैं। किसी ट्रायंगल में जैसे साइड है 3 4 5, हमने ट्रायंगल लिया तो 3 4 5, तो आपने देखा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ये कितना हुआ 9 और ये 4 का 16 25 और ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो आप कह देते हैं पाइथागोरियन ट्रिक एप्लीकेबल है। तो एक थ्योरम को हम किसी भी नंबर पे प्रूव कर लें, ऐसे ही लेमा एक तरह से थ्योरम है और यूक्लिड ने जो सिस्टम बताया, जो एल्गोरिथम बताया, उसके अकॉर्डिंग हमने प्रूव किया है। तो ये फर्स्ट मेथड, ये सेकंड, एक इसी का फैक्टराइजेशन मेथड होता है। अब फैक्टराइजेशन मेथड में अगर हम देखते हैं तो देखो इसके 455 और दूसरा नंबर था हमारे पास 42, तो देखो 455,
अब इसके फैक्टर बनाए, फैक्टराइजेशन तो जानते हैं, थर्ड मेथड है इसमें, थर्ड मेथड बाय फैक्टराइजेशन मेथड। उसमें टू से नहीं होगा डिवाइड, थ्री से भी नहीं होगा, फोर से भी नहीं होगा, फाइव से करो, फाइव नाइन जै 45, फाइव वन जै 5। अब सेवन से करें, सेवन वन जै 7, टू 21, सेवन थ्री जै 21। अब इसके बाद 13 से डिवाइड करें 1, तो फैक्टर क्या होगा ये। अब उसका दूसरा नंबर है हमारे पास 42, 42 के फैक्टर बनाते हैं तो क्या आएगा, 2 से, 2 टू जै 4, 2 वन जै 2, 3 सेवन जै 21, 7 वन जै 7। इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। आपने किया हुआ है छोटी क्लास में भी, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ में नाइन्थ में, अच्छी तरह तो आपको पता है। तो अब देखते हैं, हम पहले लिखेंगे हम इसके फैक्टर, किसके फैक्टर लिखेंगे, 42 के, 42 के प्राइम फैक्टर हैं 2 इंटू 3 इंटू 7, और 1 तो सभी के फैक्टर होते हैं, देखो 1 इंटू, और 4 55 के फैक्टर क्या होंगे, ये 1 5 7 3 1 इंटू 5, 5 यहाँ नहीं है, बाहर कर दो इस टेबल में, फिर 7 इसके नीचे आ रहा है, फिर 13 ये, ठीक है। तो हमारे पास ये जो फैक्टर हो गए, अब देखो इस फैक्टर को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 7 लिखें, 7 पहले लिख दें, 1 बाद में, जैसे यहाँ देखा हमने इसके नीचे डाला था। ऑर्डर मैटर नहीं करता, फैक्टर मैटर करता है। ये 42 के फैक्टर हो गए, ये 455 के फैक्टर हो गए। अब इनमें जो कॉमन किस में आ रहा है, दोनों में कॉमन ये है 7, फिर यहाँ पर कॉमन है 1, 1 इंटू 7, तो 7 इसे बोलते हैं SCF, SCF ऑफ व्हाट, इन दोनों नंबर का जो SCF है वो 7 आ गया। अब इस बात को, 7 होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके इसका मतलब इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जिससे ये जो है उसका फैक्टर हो। इस बात को मैं अभी एक अगले क्वेश्चन में आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, दोनों कंपेयर करके। ये स्टूडेंट समझ आ गया होगा, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, देखिए। हाँ स्टूडेंट, अब देखें एक और एग्जांपल है हमारे पास, बायूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फाइंड SCF ऑफ 15 एंड 25। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू SCF बाय 3 मेथड्स, बायूक्लिड डिवीजन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तीनों मेथड से आपको ये SCF आना चाहिए। तो देखें सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट मेथड है बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसमें देखें जो हमारे पास दो वैल्यू हैं, फार्मूला है A=BQ+R, R इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो लेस देन बी। अब इसमें डिविडेंड ए डिविडेंड, बी डिवाइजर, क्यू कोशियन प्लस आर रिमाइंडर है। तो जो बड़ा होता है उसको ए लेते हैं, ए 25 है, हमें SCF किसका फाइंड करना है, SCF ऑफ 15, 25, ए 25 बी 15। अब इसको अगर लॉन्ग डिवीजन से करते हैं तो लॉन्ग डिवीजन से देखें कैसे करेंगे इसको हम, लॉन्ग डिवीजन में बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी SCF ऑफ 15, 25 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये सेकंड मेथड है। अब इसमें क्या करेंगे, जो बड़ा है अंदर डिविडेंड हो गया, छोटा डिवाइजर। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 15 1 जै 15 माइनस किया 10। अब देखते हैं रिमाइंडर जीरो नहीं है, रिमाइंडर जीरो नहीं है, इट मीन्स व्हाट, अभी SCF नहीं आया। तो ये जो हमारे पास डिवाइजर था, इस डिवाइजर को बना देते हैं यहाँ ला कर के इस तरह से डिविडेंड, और रिमाइंडर को डिवाइजर। फिर देखें 10 1 जै 10, अब माइनस किया 5, अब भी रिमाइंडर जीरो नहीं है, रिपीट द प्रोसेस अगेन। इसके बाद 10 को इस डिवाइजर को डिविडेंड बना दिया, रिमाइंडर को डिवाइजर, 5 2 जै 10 और रिमाइंडर जीरो हो गया। जीरो किससे डिवाइड करने से हुआ, 5 से, यानी 5 से डिवाइड करने पर ये रिजल्ट जीरो आया। देयरफोर क्या हुआ, SCF
ऑफ 15.25 इज 5। ये हमें एस सी एफ आ गया। बाय व्हाट मेथड? बाय लॉन्ग डिवीजन। लेकिन यूक्लिड मेथड से करना है, तब उसमें क्या देखें आप, यहाँ स्टेप लिखेंगे। पहले स्टेप वन, पहले स्टेप में क्या करते हैं, हमने डिविडेंड क्या रखा इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग। ए डिविडेंड है, डिविडेंड 25 इक्वल टू बी डिवाइजर, डिवाइजर क्या है 15 इंटू कोशियंट। देखो 25 को 15 से डिवाइड किया, ये तो हमारे पास डिवाइजर था, ये डिविडेंड है, ये कोशियंट है और ये रिमाइंडर था। तो हम देखते हैं यहाँ पे 15 इंटू क्यों क्यों डिवाइड कोशियंट 1 प्लस इसके बाद क्या है रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है यहाँ पर रिमाइंडर 10। अब लिखेंगे यहाँ पे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर हम स्टेप टू पे जाएंगे। स्टेप टू पर क्या करेंगे, अगेन ये जो डिवाइजर था डिविडेंड बन गया, यानी 15। देखो ये डिवाइजर डिविडेंड हो गया 15 और रिमाइंडर बन गया डिवाइजर 10, डिवाइजर किया गया। और क्यों कोशियंट 10 से डिवाइड किया, 1 कोशियंट आ गया और रिमाइंडर क्या बचा 5। अब भी रिमाइंडर 0 नहीं है, देन रिपीट द प्रोसेस, थर्ड पर जाएं। अब देखते हैं, अब हमारे पास जो डिवाइजर है वो डिविडेंड बनने आ रहा है, डिवाइजर क्या 10, यानी देखो ये जो 10 डिवाइजर था डिविडेंड बन गया इक्वल टू, उसके बाद रिमाइंडर बन जाता है डिवाइजर और इंटू ये डिवाइजर 5 टू या 10 2 कोशियंट आ गया और रिमाइंडर 0। तो हम देखेंगे यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, रिजल्ट रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर इक्वल टू 0, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 10 एचसीएफ ऑफ 15.25 इज व्हाट 5। अब एक बात और देखते हैं, एचसीएफ ऑफ 25 और 15 5 था। अब यहाँ ये डिविडेंड है डिवाइजर, हम ऐसे भी कह सकते हैं 15 और 10 इनका एचसीएफ भी 5 है। हम ये भी कह सकते हैं ये डिविडेंड है डिवाइजर है, एचसीएफ ऑफ 10 और 5 ये भी 5 है। इसका मतलब 5 बहुत सारे लोगों का एचसीएफ हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों का, तो इसका भी सबका 5 है। अब इसी को मैं आपको थर्ड मेथड बताता हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड देखें और कंक्लूजन क्लियर हो जाएगा। थर्ड मेथड बाय फैक्टराइजेशन मेथड, अब देखें इसको बोलते हैं एचसीएफ। एचसीएफ किसका 15.25, तो देखो 15 के फैक्टर 25 के फैक्टर, जब 15 के फैक्टर निकालेंगे तो देखो 3 से 2 से तो जाएगा नहीं, प्राइम फैक्टर होते हैं, 3 से करें 3 5 या 15, फिर 5 से जाएगा 1 और इसके बाद 25 को 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 5 5 या 25, फिर 5 1 या 5। तो हम देखते हैं 15 के फैक्टर क्या हो गए, 1 तो सभी के होते हैं फैक्टर, तो 15 के तो 1 3 5 1 × 3 × 5 और 25 के फैक्टर क्या हो गए 5 × 5 ऐसे लिखते हैं। और एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से जब निकालते हैं और इसका भी 1 फैक्टर है, तो देखो इनमें 1 भी कॉमन आ रहा है और ये 5 भी कॉमन आ रहा है, 1 तो सभी में कॉमन आता है। जैसे हम कोई कहें 3 5 3 5 का एचसीएफ क्या होगा 3, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर क्या होता है, दोनों ट्विन को प्राइम नंबर है, मैंने बताया था को प्राइम नंबर सिस्टम में जो बच्चा देखेगा 3 5 ट्विन को प्राइम है, इसमें कॉमन फैक्टर तो 1 होगा, इसका एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ ऑफ 3 5 इज 1। तो जिसके कॉमन फैक्टर 1 हो, जितने को प्राइम नंबर हैं उनका एचसीएफ ऑलवेज 1 होता है, जैसे 9 11 का एचसीएफ 1, 17 19 का एचसीएफ 1, 17 23 का एचसीएफ 1, तो जो को प्राइम है सबका एचसीएफ 1, तो 1 तो ये आ गया और दोनों में कॉमन ये 5 है, जो कॉमन ना उसको नहीं लेते, अब इन दोनों का प्रोडक्ट 1 × 5 5, तो देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 15.25 इज 5। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये तीन तरीके से आपने एचसीएफ किया, यूक्लिड मेथड, लॉन्ग डिवीजन और फैक्टराइजेशन। आपको जो पेपर में आए ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आपको उसे अटेम्प्ट करना है। आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब एक बड़ा कन्फ्यूजन का क्वेश्चन होता है, बच्चे देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम जीसीडी भी लिखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को जीसीडी, जीसीडी ऑफ 15.25 निकालो, एक ही मीनिंग है, कोई फर्क नहीं है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर
का मतलब सबसे बड़ा जो इनका डिवाइजर हो। अब एक बात को देखें, 15 के फैक्टर क्या होते हैं, देखो 15 के फैक्टर होते हैं 15, 15 के बाद 30, 30 के बाद 45, 45 के बाद 50, 45 के बाद जो है 60, 60 के बाद 75। अब हमारे पास 25 के फैक्टर देखें, यानी अगर हम फैक्टर निकालें 25, 50, 75, फिर 100, 125, 150 और इसको ले जाओगे 75, फिर 90, 90 के बाद 105, 105 के बाद 135, 135 के बाद 150। अब एक बात बड़े गौर से देखें, जो 15 है हमारे पास 15, 25, अब कौन सा ऐसा नंबर है छोटा से छोटा जो दोनों से डिवाइड हो रहा है, जो डिवाइज़र है इसका, तो हम देखते हैं एक वन नंबर है, ये 15 से भी डिवाइड हो रहा है 25, ये लिख दिया। वन के बाद और कौन सा नंबर आ रहा है, वन के बाद टू से नहीं, थ्री से नहीं, फोर से नहीं, फाइव से, फाइव से डिवाइड हो रहा है, तो ये आ गया फाइव। यानी दो नंबर ऐसे हैं जो 15 को भी डिवाइड कर रहे हैं 25 को, वन और फाइव, तो उनमें सबसे बड़ा क्या है, फाइव, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हो गया, यानी हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम कहते हैं इसी का एलसीएम फाइंड करो, तो एलसीएम क्या होता है जानते हैं, फैक्टर बना दिया 15 के, 15 के फैक्टर क्या हैं, 1 इंटू 3 इंटू 5, 25 के फैक्टर क्या हैं, 5 इंटू 5 और 1 तो है ही है। अब एलसीएम में भी हम क्या करते हैं, कॉमनली सारे के सारे लेते हैं, 1 1 ये आ गया, इस लाइन में से 3 आ गया, इसमें से दोनों में कॉमन है 5 आ गया, इसमें से 5, तो यह आएगा 5 इंटू 5 25, 3 75 इंटू 1 75, तो हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 15, 25 इज 75। अब बच्चे कंफ्यूज करते हैं, एलसीएम का मतलब लोएस्ट है, लोएस्ट तो 75 आ रहा है, एससीएफ मींस हाईएस्ट है या ग्रेट, जीसीडी का मतलब ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का मतलब 5 आ रहा है, तो ग्रेटेस्ट में तो छोटा आ रहा है और लोएस्ट में बड़ा, ये कंफ्यूज वाला क्वेश्चन हो जाता है। तो कंफ्यूज ना करें, ये तो डिवाइजर था, यानी 15 और 25 में कौन से ऐसे कॉमन नंबर हैं जो दोनों को डिवाइड करें, तो दोनों को 1 भी कर रहा है, 5 भी कर रहा है, उसके बाद कोई और नंबर नहीं आ रहा है जो दोनों को डिवाइड करे, तो उन सब में बड़ा 5 है, 5 आ गया। और ये कह रहा है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो देखो 15 के मल्टीपल दे रखे हैं, यानी 15 का मल्टीपल टेबल पढ़ते जाओ, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 100, 135, 150, 25 के मल्टीपल टेबल पढ़ो, 25 वन जाए 25, 50, 75, 100, 125 एंड 150, तो ये मल्टीपल में देखें कि इन दोनों में सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है, ये इसमें 75 आ रहा है और इसमें भी 75 आ रहा है, दोनों में सबसे पहले यही आ रहा है ना कॉमन मल्टीपल, उसके बाद 150 भी आ रहा है इसमें, 150 ऐसे बहुत सारे आएंगे, 150 के बाद 300 भी होगा दोनों का मल्टीपल, वो 15 से भी और 25 से भी आ रहा है, तो कॉमन मल्टीपल में सबसे पहले कौन सा आ रहा है, लोएस्ट कौन सा है, 75, उसके आगे जाओ 150, 150 के बाद 300 ऐसे चलते जाएंगे, या 225, 225 भी होगा, तो ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे, तो उसमें सबसे लोएस्ट क्या है, लोएस्ट 75 है, इसलिए बोलते हैं इसे एलसीएम। तो इसमें कंफ्यूज ना करें, एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी दोनों नंबर के मल्टीपल लें, उनमें जो सबसे छोटा हो कॉमन वो आ जाएगा। एससीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो दो नंबर दे रखे हैं उनसे, उन नंबरों को डिवाइड करते जाओ, उन नंबरों में जो सबसे बड़ा है, जैसे ये 5 आ रहा था, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, तो वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो आई थिंक स्टूडेंट ये बहुत अच्छी तरह आपको समझ आ गया है, एससीएफ तीनों मेथड से अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब मैं कुछ और एग्जांपल आपको बताता हूं, देखिए, अब देखें एक और एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 135 to 25, एससीएफ फाइंड करना है। देखें ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज़ ग्रेटर देन जीरो लेस देन बी। अब हमारे पास जो इसमें ए डिविडेंड, जब एससीएफ फाइंड करना है तो जो सबसे बड़ा है ए हो गया, डिविडेंड बी डिवाइज़र 225, ए 225 बड़ा और डिवाइज़र 135। अब देखते हैं इसको कैसे हम स्टेप लिखने हैं, तो आप रफली उसी लॉन्ग डिवीजन से कर लें, 225 अंदर 135 बाहर,
तो अब देखें 135 इंटू 1 135 डिवाइड कर दिया माइनस 0 12 में 3 9 90 हो गया। अब रिमाइंडर 0 आया स्टूडेंट नहीं, इसका मतलब अभी SCF नहीं आया। तो अब आप क्या करेंगे, इस तरह से ये जो डिवाइज़र है उसको बना दें डिविडेंड और रिमाइंडर को डिवाइज़र। तो 91 जा 90 माइनस करो 45। अब देखते हैं रिमाइंडर 0 है नहीं, तो अगेन तीसरे स्टेप में जाएंगे आप इस 90 को यहाँ ले आएंगे, इधर ये बना देंगे डिवाइज़र को डिविडेंड और रिमाइंडर को डिवाइज़र। 45 टू जा 90 और ये रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आते ही ये क्या हुआ, ये SCF हो गया। अब इसी को यूक्लिड से लिख दें जो उसका प्रोसेस है, जो उसका एल्गोरिथम है। तो आप इसमें स्टेप वन पे आएँ, स्टेप वन सबसे पहले क्या होगा, ए मीन्स डिविडेंड 225 इक्वल टू बी डिवाइज़र, डिवाइज़र क्या 135 इंटू कोशियन, कोशियन क्या है 1 और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 90। अब देखते हैं रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है इसका मतलब अभी SCF नहीं है, फिर यही प्रोसेस रिपीट कर देंगे। अब देखते हैं ये जो डिवाइज़र था बन गया डिविडेंड 135, यानी ये डिवाइज़र डिविडेंड आ गया और जो रिमाइंडर आ गया वो डिवाइज़र बन जाता है, यहाँ पे आएगा बी। तो देखो रिमाइंडर जो था हमारे पास वो डिवाइज़र इसके लिए बन गया। तो 90 इंटू 1 कोशेंट 1 प्लस रिमाइंडर अगेन 45 आ गया। तो रिमाइंडर यहाँ भी 0 नहीं है, तो आप दोबारा स्टेप 3 में लिख सकते हैं। अब ये जो डिवाइज़र था अगेन डिविडेंड बन गया ये यहाँ पर, और रिमाइंडर डिवाइज़र बन गया 45 इंटू 2 2 कोशेंट हो गया और रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो अब लिखते हैं रिमाइंडर इक्वल टू 0, देयर फोर SCF ऑफ व्हाट 225 कॉमा 135 इज़ व्हाट 45। अब ये भी तो लिख सकते हैं, अब यहाँ पे ये डिविडेंड है डिवाइज़र, तो 135 कॉमा 90 इनका भी SCF यही होगा 45। इसके बाद हम देखते हैं इस क्वेश्चन में 90 डिविडेंड है और 45 डिवाइज़र है, इसका भी SCF अगर निकालेंगे तो 45 हो गया। इसका मतलब ये दो नंबर हैं जो 45 से डिवाइड कर होते हैं हाईएस्ट, इनके लिए भी हाईएस्ट 45 है, इनके लिए भी हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र 45 है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं कुछ। हाँ स्टूडेंट, अब देखें ये क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट टू है, फर्स्ट का क्वेश्चन है SCF ऑफ 196.38220। अब यहाँ भी a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन बी। ए क्या है यहाँ पर, जो सबसे बड़ा है इन दोनों में वो a डिविडेंड और छोटा डिवाइज़र, तो बड़ा है 38220 यानी 38220 और b क्या 196, ये डिविडेंड ये डिवाइज़र। तो यहाँ पे देखो आप 38220 डिवाइज़र है 196, अब 196 किस पे जाएगा, देखो 3 डिजिट ले लो यहाँ पे, 1 पे जाएगा 196, माइनस कर दें 212 माइनस 66 798, 2 माइनस 11 इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से 186 ऊपर से कैरी किया हमने 2। अब देखते हैं किस पर जाएगा ये जा रहा है 9 पर, 96 जा 54 599 जे 81 586 898 1764 माइनस करें 12 माइनस 4 8 15 माइनस 6 9 ये 0। अब ऊपर से ले लिया हमने कैरी किया 0 980, अब किस पर जाएगा 196 इंटू 5 980 और ये रिमाइंडर 0। तो आप देखते हैं किससे डिवाइड करने पर पूरा गया 196 क्या हुआ इसका, SCF हो गया। तो आप देखते हैं यहाँ से पूरा ये डिवाइड हो गया। तो अब देखते हैं हम क्या लिखेंगे, स्टेप वन में ही क्लियर हो गया हमारे पास ये डिविडेंड 38220 इक्वल टू 196 डिवाइज़र इनटू कोशियंट प्लस रिमाइंडर 0। तो देयरफॉर SCF ऑफ 38220 कॉमा 196 इज़ व्हाट 196। तो ये 196 इसका SCF हो गया। इसी तरह से स्टूडेंट देखें ये दूसरा थर्ड पार्ट इसका क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट भी आप कर लें
थर्ड पार्ट है 867 एंड 255। इसमें ए क्या है 867, बी क्या है 255। इसको भी देखो लॉन्ग डिवीजन से करें 867, 255। अब स्टूडेंट ये कितने पर जाएगा, ये 3 के 255 का 3 टाइम्स टेबल पढ़ें कितना आएगा देखें, 3 5 15 15 16 7। माइनस कर दें इसमें 7 5 2 6 6 0 8 7 1, ये माइनस करने पा गया। अब देखते हैं रिमाइंडर जीरो नहीं है, इसका मतलब ये एस सी एफ नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो स्टेप आता है ध्यान से देखें क्या करना होता है हमें, ये जो डिवाइज़र है इट बिकम्स डिविडेंड, यानी ये यहाँ लाएंगे इसको डिविडेंड बना दिया 255 डिविडेंड, और ये जो रिमाइंडर है इट बिकम्स डिवाइज़र। अब ये डिवाइज़र बन गया, ये डिविडेंड। अब ले आएंगे 100 2 into 2 204, अब माइनस कर दिया 15। अब भी देखते हैं ये जो रिमाइंडर है जीरो नहीं है, जीरो नहीं है इसका मतलब ये एस सी एफ नहीं है। तो अब फिर क्या करेंगे, फिर हम डिवीजन का साइन लगाएंगे और डिवाइजर बिकम्स, हमेशा डिवाइजर बिकम्स डिविडेंड और रिमाइंडर बिकम्स डिवाइजर 51 into 2 102। अब रिमाइंडर जीरो आ गया, किससे आया 51 से, ये एस सी एफ आ गया। किसका आया एस सी एफ, 867 255 का एस सी एफ 51, ये लॉन्ग डिवीजन से हो गया। अब यूक्लिड से दिखाएंगे तो क्या होगा, स्टेप वन में देखें, स्टेप वन में क्या हुआ, सबसे पहले आता है ए, ए डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर 255 इंटू वाट था कोशेंट 3, और प्लस रिमाइंडर कितना है 102। तो यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफोर स्टेप किस पे आ गया, 2 पे। स्टेप 2 पे क्या करेंगे, अगेन डिवाइजर बिकम्स डिविडेंड, डिवाइजर क्या है 255, ये डिविडेंड बन गया और रिमाइंडर बिकम्स डिवाइजर। अब इसको कर दिया 2 पे चला गया, तो अब कितना रिमाइंडर आ गया 51। तो यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो, फिर हम क्या करेंगे स्टेप 3 पर आएंगे। अब स्टेप 3 पर क्या देखते हैं हम, इस क्वेश्चन में हमने जो लिखा ये ध्यान से ज़रा देखें इसको, 255 इक्वल टू ये तो डिविडेंड था, डिवाइजर 102 इंटू 2 किया और प्लस रिमाइंडर 51। तो अब यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो। अब अगेन जाते हैं स्टेप 3 पर, हमारे पास ये डिवाइजर डिविडेंड बन गया, यानी डिवाइजर डिविडेंड 102, उसके बाद रिमाइंडर बन गया डिवाइजर 51 इंटू कोशेंट 2 और प्लस रिमाइंडर क्या आया 0, यानी 51 इंटू 2 102 होता है। अब रिमाइंडर 0 है तो देयरफोर एस सी एफ ऑफ व्हाट 867, 255 इक्वल टू 51। सिमिलरली यहाँ भी लिख सकते हो 255 102 का भी एस सी एफ 51 है, 102 और 51 का भी एस सी एफ 51 है। इस तरह से हमने आपको इन डिजिट्स का जो नंबर्स हैं उन नंबर्स का एस सी एफ बताया, और इससे पहले मैंने तीनों मेथड से स्टूडेंट एस सी एफ बता दिए। आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा, बाकी आप बुक खोलें, क्वेश्चन लें, ईजिली कर सकते हैं।